किसान एकता मोर्चा एक किसान संगठन है। ये उन संगठनों में शामिल है जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। किसान एकता मोर्चा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव है, लेकिन 20 दिसंबर को अचानक ही इस संगठन का फेसबुक पेज बंद कर दिया गया। हालांकि कुछ ही देर बाद पेज दोबारा चालू भी हो गया है, लेकिन फेसबुक की तरफ से ऐसे एक्शन ने सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। बात 20 दिसंबर की शाम करीब 7:30 बजे की है। जाने माने एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव इस फेसबुक पेज पर लाइव थे, केंद्र सरकार से सवाल कर रहे थे। करीब 14 मिनट ही उन्होंने बोला होगा और अचानक से ये पेज बंद हो गया और लिखा आया, स्पैम पर हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस के उल्लंघन के कारण आपका पेज अनपब्लिश कर दिया गया है। फेसबुक की तरफ से स्पैम की बात की गई, यानी हो सकता है कि इस पेज को बार बार स्पैम रिपोर्ट किया गया हो और उस वजह से फेसबुक ने इसे अनपब्लिश किया। हालांकि पेज बंद करने की कोई साफ वजह अब तक फेसबुक ने नहीं बताई है। किसान नेताओं के मुताबिक फेसबुक ने पेज अनपब्लिश करने से पहले कोई चेतावनी भी नहीं दी थी। करीब 2 घंटे बंद रखने के बाद फेसबुक ने किसान एकता मोर्चा के पेज को फिर से चालू किया। ये तब हुआ जब किसान एकता मोर्चा के IT विंग के हेड बलजीत सिंह फेसबुक के एक्शन पर इंस्टाग्राम पर लाइव थे। वो कह रहे थे, मोदी जी के वीडियो के क्लिप्स लेकर उनके जवाब दिए गए थे जो मोदी जी लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी ठंड में किसान दिल्ली सीमा पर बैठा हुआ है। उन लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि पहली बार किसी आदमी ने मोदी जी को जवाब दिया। बहुत घिनौना और घटिया काम किया सरकार ने। उन्होंने हमारा सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसे हमने 4 दिन पहले शुरू किया था, उसके साथ ऐसा किया। लेकिन जैसे हम शांति के साथ आंदोलन कर रहे हैं, इस मुद्दे पर भी शांति के साथ बात करेंगे। हमने शिकायत कर दी है, फेसबुक ने कहा है कि हमें कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। हम बता दें कि हमने ऐसा कुछ भी अपने पेज पर पोस्ट नहीं किया जिससे उल्लंघन हो। बलजीत सिंह का इतना बोलना ही था कि लाइव के दौरान ही उनका फेसबुक पेज दोबारा शुरू कर दिया गया। उन्होंने इस बात की जानकारी भी अपने लाइव वीडियो पर दी। उन्होंने ये भी बताया कि फेसबुक के एक्शन के मुद्दे पर 21 दिसंबर यानी आज सुबह किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे, जिसमें बाकी यूनियन के नेता भी उनके साथ आने वाले थे। किसान एकता मोर्चा का फेसबुक पेज जब अनपब्लिश किया गया, तब संगठन ने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इसका स्क्रीनशॉट डाला, जो देखते ही देखते काफी लोगों के बीच वायरल हो गया। ट्विटर पर इसे 2,500 से भी ज्यादा लोगों ने रीट्वीट किया और इंस्टाग्राम पर भी 13,000 लोगों ने लाइक किया। फिलहाल किसान एकता मोर्चा का फेसबुक पेज ठीक से चल रहा है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी लालिमा ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द लल्लन टॉप। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द लल्लन टॉप पर सेहत सोमवार से शुक्रवार रोज 12 बजे।